enemy down! तो भाई लोग कैसे हो, मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेकर के जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो एक ही चीज बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, इंट्रो तो आपने देखा ही होगा कैसे कैसे फाइट हुए हैं, तो बस एक ही चीज बोलूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं खेल रहा था रैंडम बंदों के साथ। अब हम आ जाते हैं थड़ील। अब थड़ील में हमारे से अब मतलब दो स्क्वाड आई थी, मतलब लगभग हमको मिला के तीन स्क्वाड थी। अब यहाँ पे क्या ही फाइट होने वाली है, अब देखना जस्ट मेरे पे किल कितने होने वाले हैं। अब जस्ट एक बंदा सामने था, एनिमी डाउन। अब जस्ट इसको नॉक देता हूँ। अब इसका एक और बंदा आएगा, मतलब उस बंदे पे गन नहीं था, मेरे को पता नहीं था उस बंदे पे गन नहीं था। अब जस्ट वो बंदा आएगा सामने ही, अब उसको देखना भाई क्या ही दिमाग से मारेंगे। अब जस्ट बंदा नीचे ही है, अब मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, मतलब बंदा लूट रहा था, इसके पास गन नहीं थी। अब मेरे को पता नहीं था इसके पास गन है या नहीं। अब ये बंदा भागने लगा, मैं समझ गया इसके पास गन नहीं। एनिमी डाउन। अभी इस स्क्वाड के दो बंदों को मतलब नॉक कर देते हैं। अब जा रहा था मैं आगे, जस्ट यहाँ पे एक बंदा दिखता है, अब देखना क्या होगा। अभी इस स्क्वाड के भाई तीन बंदे यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अब मेरे को पता नहीं था एक और स्क्वाड यहाँ पे है, मतलब मैं लैंड करते वक्त उतना ध्यान नहीं देता, बाद मेरे को पता चलता है जब मैं वीडियो देखता हूँ यहाँ पे दो स्क्वाड थी। अब मेरा टीममेट मुझे आगे जाके बताएगा एक और स्क्वाड है। अब मेरा ख्याल जाता है भाई जिस बंदे को मैंने पहले नॉक किया था उसका किल मुझे अभी तक मिला नहीं। अब जाता हूँ उस बंदे पे, रश कर रहे हैं। अब वहां जाने के बाद क्या ही स्कैम होगा देखना भाई। अब मैं उस बंदे को देखना जस्ट क्या कर लूँ उस बंदे के साथ। अब वो बंदा तो यहाँ पे रिवाइव हो चुका था, अब मेरे को गारंटी था कि वो बंदा रिवाइव हो चुका था। अब इसको मैं फ्री फायर करता हूँ, पीछे भागने लगता है बंदा। Enemy down. अब इसको भी जैसे तैसे करके नॉक करते हैं, अब इसको जाके फिनिश करता हूँ। अब इस बंदे को ढूंढता हूँ मैं जिसको मैंने पहले नॉक किया था, मतलब वो वाला कपड़े, मतलब कलर कलर का जो कपड़ा था वो बंदा मेरे को दिख नहीं रहा। अब इस बंदे को फिनिश करता हूँ। अब जस्ट मैं वो बंदे को ढूंढ ही रहा था कि बंदा चला कहाँ गया, मतलब तीन बंदे इनके नॉक एंड फिनिश कर दिया मैंने। अब जस्ट एक ही बंदा था, अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब जस्ट घर के अंदर आया, अब ये बंदा देखो भाई यहाँ पे बैठा। अब मैं इसको मारता नहीं, अब मेरे टीममेट से भी कहता हूँ इसको मारना नहीं। अब ये बंदा, मतलब ये मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, मतलब अब इस बंदे को मैंने, मतलब इस पे भरोसा किया, इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आता है, इसको शॉटगन मिल जाती है। अब मैं सोच गया ये मेरे पे मतलब फायर करेगा, अब मैं बाहर आ जाता हूँ। अब भाई एक में एमओ खत्म है और लास्ट, मतलब लास्ट गोली में ये बंदा मर गया और इस पे हेल्थ भी नहीं था। अब इस ए इजीली मेरे को मार सकता था क्योंकि इसके पास मतलब शॉटगन थी। अगर दो गोली चिपक जाती या एक हेड पे मेरे इस शॉटगन की गोली चिपक जाती तो भाई मेरा नॉक एंड फिनिश पक्का था, क्योंकि मेरे टीममेट भी बहुत दूर थे। अब यहाँ से इसके क्रेट लूटता हूँ इसके टीममेट की। अब यहाँ से मेरे को मिल जाता है, मतलब एकेएम, मैं डबल एकेएम यूज करता हूँ। अब यहाँ से मैं एमओ ले लेता हूँ, अब फिर चलता हूँ थोड़ी बहुत लूट करने। अब जस्ट इस घर में आता हूँ मैं। अब यहाँ से मेरे को मिल जाती है थॉमसन। अब मेरा टीममेट को कॉल रहता है कि यहाँ बंदे हैं, मैं समझता हूँ एक दो बंदे होंगे। अब यहाँ जाने के बाद भाई पूरी फुल स्क्वाड रहते हैं। अब यहाँ भाई क्या ही फाइट होने वाली है। अब जस्ट मेरे यहाँ पे चार किल हैं, अब यहाँ पे देखना मेरे कितने किल होने वाले हैं। अब जस्ट टीममेट मेरा फाइट ले रहा है। भाई अगर इस वाली स्क्वाड वाइप में अगर थोड़ा सा मजा आया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। भाई कोई बंदा सब्सक्राइब ही नहीं करता यार, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं आप। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो भाई एक छोटा सा और प्यारा सा कमेंट कर देना। अब वहाँ से आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब जोन यहाँ पे था। अब यहाँ थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, मेरे को भाई यहाँ पे काम लग जाता है। अब यहाँ पे एक गेम मतलब खत्म होने वाला है समझे, यहाँ पे मैं जोन से ही नॉक एंड फिनिश हो जाता हूँ। अब मेरे टीममेट आगे चले जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले गेम प्ले की। अब हम जा रहे थे भाई मतलब पायलट प्लाजा। पायलट प्लाजा में भाई क्या ही फाइट होगी। अब जस्ट ये देखना है यहाँ पे आ जाते हैं लगभग तीन स्क्वाड, तीन या बहुत ही ज्यादा स्क्वाड थी। अब मेरे को उतरती है, मेरे को यहाँ आगे चल के मेरे को मिल जाती है थॉमसन, और एक बंदा सामने ही दिखेगा। अब यहाँ पे देखना भाई कितना कंफ्यूजन होगा। अब यहाँ पे इस बंदे को नॉक किया, अब भाई इस बंदे को मैं फिनिश भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने बंदे ही थे इधर। अब फुट इतनी ज्यादा रहती है कि मैं इस बंदे को अगर फिनिश कर देता हूँ यहाँ पे एमओ वेस्ट हो जाती है। अब एक और बंदा यहाँ पे दिखता है, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ नॉक देने का, बट बंदा थोड़ा बहुत डैमेज होता है। अब मैं जाता हूँ अंदर। अब यहाँ जाने के बाद भाई ये बंदा जाता है बाहर,
अब इसको मैं मतलब छोड़ देता हूँ। अब मेरे को यहाँ से एक मतलब फुट स्टेप आती है, अब इस बंदे में आता हूँ रश करने, ये बंदा बाहर चला जाता है। अब इसको भी थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, ये बंदा भी यहाँ से निकल जाता है। अब मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था। अब मैं यहाँ पे ऐसी एमओ वेस्ट करता रहा तो मतलब मेरा क्रेट बनना पक्का है। अब ये बंदा ऊपर जा रहा था, अब इसको नॉक दिया। अब देखना यहाँ पे मेरे टीममेट भाई मतलब पूरे फिनिश हो गए नॉक, यार दो नंबर इतना ही बचा था। अब वो मेरे को वॉच करेगा, अब इसका रिएक्शन देखना क्या ही आने वाला है भाई। ये बंदा भाई मतलब पूरा मैच देखेगा। अब जस्ट देखना यहाँ पे कितने स्क्वाड रहने वाले हैं। पूरा फिनिश कर उसको, रुको जरा सबर करो। अब मेरा टीममेट यहाँ तो मेरे पीछे पड़ चुका था, जिसको नॉक करो फिनिश करो मतलब ऐसे ही बोल रहा था। अब यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, एक और बंदा मेरे को दिखता है। अब यहाँ पे देखना है, इसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे कंफ्यूज होता है, नीचे से एक फुट स्टेप आ रहा है, बंदा कहाँ से मतलब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इसको मैं मतलब मारने की ट्राई करता हूँ, एम नहीं चिपकता। अब यहाँ ये बंदा यहाँ से चला जाता है, इसका टीममेट आ जाता है बैकअप, मतलब यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ, किल उठा लेता हूँ मतलब पहले। अब यहाँ आ जाता हूँ पीछे, अब पीछे आने के बाद मेरे को मतलब एमओ मतलब गन चाहिए थी। अब मेरे थॉमसन में तो एमओ नहीं है। अब यहाँ जाने के बाद मेरे को एके मिलती है। अब जस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, एके ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखना भाई मतलब ये स्क्वाड तो अलग ही है, अब एक और स्क्वाड आने वाली है। अब मैं यहाँ पे फाइट नहीं लूँगा, जस्ट मैं होल्ड करूँगा। मतलब दो स्क्वाड आपस में लड़ रही है और मैं अकेला बंदा क्या ही कर सकता हूँ भाई। अगर एक स्क्वाड को मैं मार गया तो पीछे से मेरे को मतलब पीछे वाली स्क्वाड आके मार जाएगी। अब जस्ट यहाँ पे देखना आपका भाई क्या ही दिमाग लगाएगा। अब यहाँ पे स्क्वाड आ जाएगी, अब देखना जस्ट होल्ड करना यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। जा भाई, अब जस्ट मैं यहाँ पे बंदों पे रश कर नहीं जा रहा था, मतलब थोड़ा आगे जाता हूँ। अब यहाँ जाने के बाद भाई चार चार बंदों की मतलब फुट स्टेप की साउंड आ जाती है। अब मैं जल्दी से पीछे भाग के आता हूँ। अब यहाँ पे देखना क्या ही दिमाग लगा है आपका भाई। अब यहाँ पे तीन मतलब छोटे छोटे करें, यहाँ पे आपका भाई होल्ड करेगा मतलब कैंप करेगा समझो। अब एक और स्क्वाड मतलब पीछे आएगी, अब जस्ट बंदा स्कारल का मतलब फायर करता है। अब मैं जस्ट देखता हूँ, अब ये बॉट नहीं था भाई, ये रियल बंदा था। अब देखना इस बंदे को डैमेज करता हूँ मैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात। अब यहाँ पे एक स्क्वाड तो खत्म हो चुकी थी, अब यहाँ पे रहती है एक और स्क्वाड। अब इस स्क्वाड भाई एक क्या ही फाइट करी है मेरे साथ। अब यहाँ पे देखना क्या मतलब शॉटगन का जो फायदा होने वाला है ना क्लोज रेंज में, अलग ही मतलब अलग ही डैमेज होगा शॉटगन का। एक बंदा यहाँ पे रश कर रहा था, अब जल्दी से इस बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देते हैं। अब मैं बाहर जाता हूँ, ये इसलिए जाता हूँ कि भाई एक बंदा मॉली कर रहा था। अब मेरे को साउंड आती है मॉली करने की, अब ये बंदा मॉली देखो मैं राइट साइड में फेंकेगा। अब जैसे गन लोड किया, अब यहाँ सबसे बड़ी गलती मैंने ये की भाई, मैं वेट किया मेरे शॉटगन लोड होने का। अब मैं चाहता था एकेएम से इनको मार देता, अब इनकी एचपी देखना भाई कितनी होगी। अब इन दोनों की भाई लगभग 80% एचपी डाउन थी, अगर मैं इनको इजीली मार देता अब इन यहाँ पे भाई ये वाला गेम भी फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।